हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये बताएंगे कि ये रेडीमेड डायपर आपके लिए कितना महंगा पड़ता है, यानी कि अगर आपके पास छोटा बेबी हो तो उसके साथ साथ ये डायपर आपका चलता रहता है और डेली दिन भर में आप 4 से 5 पीस यूज़ करती हैं। तो अगर आपके पास खाने पहनने के लिए पैसे हो या ना हो, आपको डायपर के लिए पैसे कहीं ना कहीं से इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो अगर इस डायपर को 2 बार यूज़ करें, यानी कि एक बार यूज़ करने के बाद फिर उसको आप रीयूज़ करें तो और भी अच्छा रहेगा। तो आज मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसका रीयूज़ करना है। ये आपके बजट के हिसाब से बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि आप 2 बार यूज़ करेंगी तो इसका पैसा आपको वेस्ट नहीं जाएगा। तो किस तरह से यूज़ करना और ये दिन भर में कितना आप कितना पीस लगाती हैं और कितना ये यूरिन सोक करता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप देख सकती हैं कि बहुत ही ये कंफर्टेबल सा डायपर होता है। ये बीच का जो एरिया है ये हमारा यूरिन सोक करने के लिए होता है, यानी कि ये इसी में हमारे बच्चों की सुसु जो है बीच में एब्जॉर्ब होती है। इसमें वेलक्रो लगा होता है जो कि काफ़ी हार्ड होता है, यानी कि फ़ौरन ये ख़राब नहीं होता। इसको आप बार बार रीयूज़ कर सकती हैं। ये साइड में इलास्टिक लगी होती है, ये इलास्टिक भी आपके लिए बहुत कंफर्टेबल होती है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार यूज़ किया तो आपकी इलास्टिक बेकार हो गई। पीछे की साइड से ये जो पेपर लगा हुआ होता है ये भी ऐसा होता है कि सुसु से भीगता नहीं है, और ये वेलक्रो चिपकाने के लिए, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ही अच्छी सी यूज़ की होती हैं जिसको आप बार बार यूज़ कर सकती हैं। बस ये इसमें एक रीज़न होता है कि जब आपके बच्चे की यूरिन इसमें सोक होती है तो इसको आपको फेंकना ही पड़ता है। डायपर की लंबाई है देखिए 19 इंच से थोड़ा सा कम है। तो इसमें 3 साइज आती है, मीडियम, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो ये है जो ये लार्ज साइज़ है, ये आप 2 से 3 साल तक के बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी बच्चे होते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे पीछे जिस डायपर में इलास्टिक लगी होती है वो डायपर ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, इस डायपर में पीछे इलास्टिक नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो बीच का एरिया है यूरिन सोक करने वाला, ये यूरिन सोक करने के बाद आपका पूरा का पूरा डायपर बेकार हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे कि इसमें आपके बच्चे की कितनी सुसु दिन भर में एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि आप 2 से 3 घंटे इसको अगर लगा के छोड़ती हैं तो कितना ये यूरिन सोक करती है। तो ये मैंने 1 ग्लास पानी लिया है और इसमें हमें इस पानी को धीरे धीरे करके पूरा भर देना है, यानी कि जितना पानी इसमें सोक हो सकता है उतना हमें पानी को इसमें डाल देना है। तो सबसे पहले आप देख सकती हैं कि ये ग्लास जो है, इस ग्लास की लंबाई है हमारी 7.5 इंच। हमने 7.5 इंच का ग्लास लिया है, उस ग्लास को मैंने पानी से फिल कर लिया है और इस पानी को अब हम देखेंगे धीरे धीरे करके कि कितना पानी हमारा डायपर में सोक होता है। एक बार और आप इसकी लंबाई अच्छे से देख सकती हैं, यहाँ से ये 7.5 के लगभग है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पानी को इसमें हम धीरे धीरे करके पूरा पानी ऐड कर देंगे। अगर पूरा पानी ऐड नहीं हुआ तो हम बचेगा तो बचा भी सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से पानी डालना स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और फिर छोड़ देंगे थोड़ा इसको सोक होने के लिए। तो इस तरह से देखिए मैंने इतना पानी डाल दिया है, अब हम इसको छोड़ देंगे पानी सोक करने के लिए। थोड़ा देर करके फिर हम दोबारा से पानी डालेंगे इसमें। तो ये देखिए पानी हमारा ये सोक कर चुका है, इतना हैवी हो चुका है। बहुत से लोग थोड़ी सी यूरिन सोक करने पर भी बच्चों के डायपर को चेंज कर देते हैं और बहुत से लोग जो होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा देर तक इसको यूज़ करते हैं। जिसके पास जितना बजट हो उस हिसाब से आप अपने बच्चे को सेट करती हैं। तो देखिए अब हम इसमें और भी पानी डालेंगे धीरे धीरे करके। ये पीछे वाला एरिया जो है यहाँ का भी सूखा हुआ है तो यहाँ पर भी हम पानी डालेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे जो लेटे रहते हैं तो यूरिन पीछे की साइड ही जाती है। तो इस तरह से देखिए मैंने पूरा पानी धीरे धीरे करके इस तरह से डालना शुरू कर दिया है। इतना पानी मैंने डाला है, फिर से इसे हमें छोड़ देना है। अभी 1/2 ग्लास से थोड़ा सा कम पानी हमारा बचा है तो हम इसे ऐसे ही फिर छोड़ देंगे इस पानी को सोक करने के लिए। तो देख सकती हैं ये काफ़ी वजनी हो गया है, इस तरह से एकदम से फूल गया है। तो अब हमें फिर से इसे इसी तरह से छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, फिर वापस से हमें पानी डालना है। तो अब ये देखिए जो पानी हमारा बचा हुआ है इस पानी को हमें फिर से इस पर डालना है। तो आप देख सकती हैं कि मैंने पानी का पूरा ग्लास खाली कर दिया है, मैंने पूरा का पूरा पानी इस पर डाल दिया है। इतनी ज़्यादा यूरिन आपके बच्चों की डायपर में रहती है और ये गंदगी जो है आपके बच्चों के साथ साथ लगी रहती है।
यानी कि उनकी स्किन से चिपकी हुई होती है जब तक वो डायपर में रहते हैं। तो अब आप देख सकती हैं कि कितना हैवी ये डायपर हो चुका है। आप इस तरह से चेक कर सकती हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी, यानी कि पूरा एकदम से वज़न भी इसका हो गया है और ये फुल हो चुका है। तो अब इसको हम किस तरह से इसका रीयूज़ करेंगे वो भी आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो पहले देखिए आप, अब मैंने इस पानी को इस तरह से छोड़ दिया था डाल के, तो ये पूरा का पूरा इसमें सोख हो चुका है, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। दोनों साइड से आप देख सकती हैं, ये पीछे का जो पेपर होता है वो काफ़ी हैवी होता है जिस पर पानी का कोई भी असर नहीं पड़ता। तो अब हमें क्या करना है कि इसे एक सीज़र से यहाँ से हमें कट करना होगा, यानी कि जो बीच वाला एरिया है, जो यूरिन पार्ट है, उसे हमें यहाँ से कट करना होगा। पूरा का पूरा हम इस तरह से किनारे से कट कर लेंगे। इसे हम चारों तरफ से घुमा घुमा करके कट करके इसे हम अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें पूरे पार्ट को यहाँ से कट करके बिल्कुल अलग कर देना है इसे। और अलग करने के बाद इस पर ये जो कलरफुल पेपर लगा हुआ है इसे भी हमें निकाल करके देख लेना है कि आखिर ये क्या चीज़ होती है जो बिल्कुल भी गीला नहीं होने देती बच्चों की स्किन को। तो इसे हम यहाँ से अलग करेंगे। इस तरह से ये जो पेपर लगा हुआ है ये बिल्कुल सूखा सूखा सा है। इस पर हाथ लगा करके चेक करने के बाद आप देख सकती हैं कि कहीं से भी भीगा हुआ नज़र नहीं आएगा। फिर भी बच्चों की स्किन के लिए नुकसानदेह होता है ये डायपर, लेकिन मजबूरी है कि छोटे बच्चे हैं तो हमें डायपर का यूज़ करना ही करना है। फिर भी ये जो कलरफुल ये पेपर लगा हुआ है उसकी वजह से बच्चों की स्किन के लिए थोड़ा सेफ्टी रहता है। तो अब हम इसे हम साइड में रखेंगे। और ये मैंने एक प्लास्टिक रख ली है, उसी पे हमें इन सारी चीज़ों को निकाल करके रख लेना है, जो ये बच्चों की यूरिन वाला पार्ट है, यानी कि ये जो बच्चों की यूरिन सोक करने वाला ये जो कॉटन है, इसे हम इसमें से निकाल करके अलग रख लेंगे। तो पूरा का पूरा हम इसी तरह से निकाल करके इसको साफ कर लेंगे। तो इस तरह से देख सकती हैं कि ये मैंने पूरा डायपर बीच का खाली कर दिया है। जो भी ये छोटी मोटी पीस होगी इसे हमें अच्छी तरह से इसे साफ़ कर लेना है। तो देखिए मैंने पूरी तरह से इसको क्लीन कर दिया है। अब बस हमारा डायपर बचा है, यानी कि जो बाहरी हिस्सा है ये और इसका जो वेलक्रो है, ये सारी चीज़ें हमारी बच गई हैं, बिल्कुल भी भीगा हुआ नहीं है। अगर थोड़ा मोड़ा भीगा हो तो इसे आप वॉश करके धूप में सुखा सकती हैं, इसकी सारी बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाएगी। अब आप देख सकती हैं कि ये जो मैंने यूरिन सोक करने वाला कॉटन निकाला है ये भीग के इतना सारा हो गया है, इतना हैवी। ये हमारा जो ये हैवी सा पार्ट होता है ये सारा हमारे बच्चों के साथ साथ चलता रहता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अगर बच्चे आपके पास छोटे हो तो इस डायपर को यूज़ करना ही करना होता है। तो अब देखिए इसे हमें साइड में रख देना है, और ये वाला जो पार्ट है इसे हमें अब फिर से रीयूज़ करना होगा। यानी कि आपने ये रेडीमेड डायपर एक बार यूज़ किया, फिर से आप दोबारा से इस तरह से इसका रीयूज़ कर सकती हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये बकवास है, बिल्कुल कंफर्टेबल सा होता है। इसको आप यूज़ करने के लिए कोई भी इस तरह की सॉफ्ट सी बनियान हो, या सॉफ्ट कपड़े का दुपट्टा हो, टी शर्ट हो, कुछ भी हो, इस तरह का सॉफ्ट होना चाहिए, इसका आप यूज़ कर सकती हैं। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ से हमें कट कर देना है। फिलहाल मैं इसे कट नहीं करूँगी, लेकिन यहाँ से आपको कट कर देना होगा और फिर इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है, यानी कि बच्चों के डायपर के हिसाब से उसकी लंबाई से आपको इसे फोल्ड कर लेना होगा इस तरह से। और इस तरह से एक गद्दी बना लेनी होगी, इस गद्दी को आपको यूज़ करना है। तो ये डायपर लेंगे और इस पर यहाँ पर हमें इसे रख देना होगा अच्छी तरह से सेट करके। इस तरह से चारों तरफ से हमें लास्टिक भी सेट कर लेना है। फिर बच्चों को यहाँ पर लेटाना होगा, बिल्कुल डायपर की तरह इसे हमें पहना देना होगा बेबी को। और ये आपका डायपर आराम से 1 से 1.5 घंटा चलेगा। आपके कपड़े के ऊपर है आप किस तरह का कपड़ा यूज़ कर सकती हैं, आपका बेबी कितना यूरिन पास करता है उस हिसाब से आपका डायपर ये चलेगा। तो आप देख सकती हैं कि आपने इस डायपर को अगर ख़रीदा है तो आपका पैसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। आपने एक बार ख़रीदा तो यूज़ किया, फिर उसके बाद इस तरह से उसके बीच का गंदगी को आप साफ़ करके दोबारा से आप इसको रीयूज़ कर सकती हैं, क्योंकि इसका वेलक्रो जो है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, एक बार में ये ख़राब नहीं होता।
और इसका ये जो बाहरी कपड़ा होता है, इलास्टिक होती है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें बहुत ही अच्छी लगाई हुई होती हैं। और इस कपड़े को आप बार बार रीयूज़ कर सकती हैं। कपड़ा अगर गंदा हुआ है तो इसे आप निकाल करके अच्छे से वॉश करके इसे धूप में सुखा करके और इसकी जगह 4-5 कपड़े बना लें। आप बार बार इसको निकालती रहें, वॉश करती रहें और यूज़ करती रहें। ये दिन भर आपका प्रोसेस चलता रहेगा और आपके ढेर सारे पैसों की भी बचत होगी। रेडीमेड डायपर भी आप यूज़ करके फिर उसको आप उसमें की गंदगी निकाल करके आप दोबारा से उसको यूज़ कर सकती हैं। सच बात तो ये है कि ये हमारे घरों में भी अक्सर ऐसा हम लोगों ने किया है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि बस ये फालतू सी बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने इस प्रोसेस को किया है, ये काफ़ी कंफर्टेबल सा है, हमारे ढेर सारे पैसों की बचत होती है। तो आप भी इस वीडियो को देख करके काफ़ी कुछ सीख सकती हैं और इसका यूज़ भी कर सकती हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।